हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल होम एड होम मेकर में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं अमरूद की जेली, जो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें। आइए बनाते हैं। 2.5 किलो अमरूद को अच्छे से धो के इसको हम पतले पीसेस में काट लिए हैं। अमरूद जितना ही गला रहेगा उतना ही अच्छा जेली बनेगा। अब इसमें हम 1/2 लीटर पानी डाल देंगे। पानी रहे कि अमरूद पूरा एकदम से ढका रहे पानी में, पानी इसके ऊपर तक रहे। इसको हम ढक के गलने तक पका लेंगे। 1/2 घंटा हो गया है इसे उबालते हुए। अब इसको हम इसी स्टेज पे बंद कर देंगे। अब इसके रस को हम इस तरह से छान लेंगे। अमरूद पकाने के बाद अमरूद का रस को हम अच्छे से उसको जब छान लेंगे तो जितना रस है अंदाज लेंगे, अगर 1 लीटर रस है इसमें हम 3 पाव चीनी डालेंगे। 3 पाव चीनी को इसमें हम मिलाएंगे। नींबू का हम रस निकाल लेंगे। अमरूद के रस को और चीनी को इस तरह हम खूब पकाएंगे। नींबू को हम गार के उसके रस को निकालेंगे। रस हमारा खोलते खोलते रंग एकदम चेंज कर देता है, देखिए एकदम ये लाल लाल हो गया। अब इस पे हम अपना नींबू का रस डाल देंगे। 10 नींबुओं का रस है ये। जेली को जब भी बनाएं इस बात का ध्यान दें कि वो बहुत ज़्यादा उबलती है, इसलिए उसको हमेशा बड़े बर्तन में बनाएं। जेली को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि खूब गाढ़ी हो जाए, और इस तरह से इसको हम चेक कर लेंगे जब इसमें हल्की सी तार दिखने लगे तो हम इसको इसी स्टेज पे बंद कर देंगे। जेली हमारी ठंडी हो गई है। अब इसे हम शीशे के जार में भर के रख देंगे। इसे आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा, हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। जेली इस तरह हम भर के रख देते हैं तो ये साल भर आराम से चलती है और ख़राब नहीं होती है।